तो भाई आप में से काफी सारे लोग चाहते थे कि मैं ब्लैक बैकग्राउंड से हटके कुछ कलरफुल में आऊं। मैंने कहा इतना कलरफुल तो ठीक होगा आप लोगों के लिए। बाय द वे ऐसा नहीं है कि इसी में बनाएंगे हम वीडियो, कभी ब्लैक पे बनाएंगे कभी इस पे बनाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई ये लाइट चेंज भी हो सकती है। खैर आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो की तरफ से F15 और वीवो की तरफ से V17 का। आप में से काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी और ये है स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन। लेकिन इसको देखने के बाद आप अंदाजा लगा लेंगे कि कौन से फोन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। दोनों में सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलता है ऐसा कंफ्यूजन है, लेकिन भाई GSM अरीना पर यह बताया गया है कि ओप्पो F15 में आपको एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा, सुपर एमोलेड पैनल नहीं दिया गया। और वीवो V17 में सुपर एमोलेड पैनल है। दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की ताकत डाली गई है भाई। और यहां पर आपको एक बात बता दूं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है आपको ओप्पो F15 पे, और वहीं पर वीवो V17 पर आपको दी गई है स्कॉच सेंसेशन की प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के मामले में दोनों लगभग सेम है, क्योंकि प्रोटेक्शन जरूरी है, तो यहां पर भाई दोनों ने सही कदम उठाए हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर आपको पंच होल देखने के लिए मिलता है वीवो V17 में, और वहीं पर ओप्पो में आपको दी गई है ड्यू ड्रॉप नॉच जैसे माता रानी के आशीर्वाद के साथ। बट यहां पर भाई पंच होल जो दिया गया है ना वीवो की तरफ से, वो वर्ल्ड का सबसे छोटा पंच होल है। एंड यहां पर ये एक तरीके से नजर में नहीं आएगा जब भी आप कोई कंटेंट वॉच करेंगे इस पर। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यहां पर मेरे पास भाई ये छेद वाला फोन है, तो यहां पर भाई जब भी मैं कोई वीडियो वगैरह देखता हूं तो मुझे ये बिल्कुल ऐसे दिखता नहीं है कहां गया। तो ये एक एडवांटेज है वीवो के पास, और वीवो के पास यही एडवांटेज नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी स्क्रीन में काफ़ी सारी चीज़ें खास हैं जो कि इसे अलग बना देती हैं ओप्पो F15 से भी, और ये पेड वीडियो नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वीवो ने जो स्क्रीन यूज़ करी है सैमसंग की है, और सैमसंग ही छेद कर सकता है सुपर एमोलेड पैनल में। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स की है। जी हाँ, जितनी S10 प्लस की देखने के लिए मिलती है S10 की, और नोट 10 में 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है। और वहीं पर मैं ओप्पो की बात करूँ तो ओप्पो में 430 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। और भाई समझ जाइए कि किसकी डिस्प्ले ज़्यादा बेटर होने वाली है। और निट्स को ज़रूर देखा करो, कितने निट्स की ब्राइटनेस दी गई है स्मार्टफोन के अंदर, जब भी उसके व्यूइंग एंगल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में वीवो V17 आप लोगों को भी अच्छा लगने वाला, और मेरा भी फेवरेट है। यहाँ पर चलते हैं बैक की तरफ, तो दोनों की बैक पर आपको ग्लास नहीं देखने के लिए मिलता, प्लास्टिक चिपकाई गई दोनों कंपनी की तरफ से। लेकिन लुक वाइज भाई, और जो कैमरा पोजीशन है भाई, वो वीवो की ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। वीवो V17 का भाई बैक काफी अच्छी है। और वहीं पर मैं ओप्पो की बात करूं तो ओप्पो जैसी बैक हमें नॉर्मली देखने के लिए काफी पहले भी मिल चुकी है, तो ओप्पो ने कुछ ऐसे इनोवेटिव नहीं करा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर बैक के मामले में भी भाई वीवो का फोन अच्छा लग रहा है देखने में, और दोनों में पॉलीकार्बोनेट की बैक है। और फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी भाई प्लास्टिक ही चिपकाया गया दोनों में। एंड अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है दोनों में, 3.5mm जैक है। यहाँ पर अब बात करते हैं बैटरी। वीवो V17 में आपको 4500mAh की बैटरी दी गई है, 18 वोट का फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, और फास्ट चार्जर भी मिलता है बॉक्स के अंदर। और ओप्पो की बात करें तो ओप्पो में आपको 30 वोट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, एंड यहाँ पर आपको 4025mAh की बैटरी दी गई है। तो बैटरी के मामले में भी ओप्पो F15 जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था भाई 4000mAh की बैटरी काफ़ी होती है, तो मैंने कहा काफ़ी तो होती है, लेकिन भाई अभी जो कॉम्पिटिशन चल रहा है ना उसके हिसाब से काफ़ी नहीं है। आपका क्या कहना है बताना यार कमेंट सेक्शन में, थोड़ा बताया करो कमेंट सेक्शन में। बाय द वे यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी खास चीज़ बता देता हूँ दोनों फ़ोन के बारे में, जिसके बाद बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली, वो है इनके प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 675 आपको देखने के लिए मिलता है वीवो V17 में, और वहीं पर ओप्पो F15 में आपको दिया गया है हीलियो P70, और हीलियो P70 12nm पर बेस है, और वहीं पर स्नैपड्रैगन 675 11nm पर बेस है। और यही नहीं, स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर होते हैं वो डे टू डे लाइफ में अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू मीडियाटेक प्रोसेसर, और मीडियाटेक के प्रोसेसर नॉर्मली गर्म भी होते हैं। और यहाँ पर कहा नहीं जा सकता कंपनी ने इसे किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर स्नैपड्रैगन 675 इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। तो इस मामले में भी वीवो के पास एक एडवांटेज आपको देखने के लिए मिलती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों ने ही UFS 2.1 की ऐसे स्टोरेज डाली हुई है, और दोनों में एक्सपेंड कर सकते हैं आप मेमोरी। तो भाई यहाँ पर आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अब बात करें उन लोगों की जो फोटो वोटो खींचने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं मेरी तरह, पर फ्रंट कैमरा सेंसर के मामले में वीवो के पास एक एडवांटेज है कि वीवो के फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है, और ओप्पो में 16 मेगापिक्सल का। आई नो कि यहाँ पर मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता, पोस्ट प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट होती है अरे बाबू, तो यहाँ पर स्टिल मैं आपको एक बात बता दूं कि वीवो की पोस्ट प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू ओप्पो, और मैंने ये बात आपको पहले भी बताई हुई है। और अब बात करें बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों में सेम कैमरा सेटअप दिया गया है, सोनी IMX582 का 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है दोनों में ही।
फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर, फिर 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर चिपकाए गए हैं नंबर के लिए, और मेरे को लगता है कि इन्हें हटाकर एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे देते काफी होता। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और आप ऐसे अंधेरे में जी रहे हैं तो भाई वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, मैंने बताया हुआ है कि ये किस तरीके से पागल बना रही है कंपनियां इस चीज को लेकर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए, बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूँ या बात करूँ स्क्रीन की, प्रोसेसर की, और यहाँ पर भाई काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जो वीवो V17 को विनर बना देती हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना, और भाई एम करा था इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, तो कर दीजिए अगर अच्छी लगी वीडियो। सो दैट्स इट गाइस, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो टू वॉच योर हार्ट, स्टे विद मी, दैट्स योर अनबॉक्स गाइस, बाय।